बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, और आप लोग साथ साथ जो है होमवर्क भी करते जा रहे होंगे, लेकिन आज जो है आप लोगों के लिए होमवर्क तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस जो होमवर्क है उसको ज़रा रिपीट कर लें। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल, ओपन द बुक पेज नंबर 42। टुडे वी विल डिस्कस पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, यानी हमारे पास पाकिस्तान और दुनिया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड आल्सो द रीजनल बॉडीज लाइक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी SAARC। पाकिस्तान जो है वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का और SAARC का। पाकिस्तान इज़ आल्सो मेंबर ऑफ OIC। ठीक है, और इंटरनेशनल ये OIC जो है किस चीज़ का जो है मुहाफ़ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ठीक है, यानी ये हमारे पास इस्लाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज इंटरनेशनल बॉडीज हेल्प इन डिस्कसिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हल करते हैं। क्या हल करते हैं, यानी हमारे पास जो है उसको सॉल्व करते हैं जो प्रॉब्लम्स मुश्किलात होती है जब टाइम, जैसे कोई फ्लड आ जाए या कोई अर्थक्वेक आ जाए। ठीक है, फ्लड मीन सैलाब आ गई या फिर जलजल आ गया, या ये जो आजकल हो रहा है ना हमारे पास, ये जो कोरोना वायरस है, तो ये इसी तरह हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। वी हैव, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है तो ये तो मतलब वर्ल्ड की सतह पर है। ठीक है, पूरी दुनिया में है। वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद मोस्ट कंट्रीज एंड आल्सो ट्रेड चाइज विद मैनी, यानी इनके दरमियान काफ़ी जो है फ्रेंडली ताल्लुक है दरमियान में, और तिजारत भी जो है खासी हद तक होती है। ट्रेड मीन्स तिजारत। ठीक है, राइट द मीनिंग्स। A large number of people from all over the world visit Pakistan for business. यानी दुनिया में ऐसे बहुत से जो है हमारे पास वो है कि पाकिस्तान में business के लिए आते हैं, इन official trips, या जो है people from all over the world visit Pakistan for. ठीक है, जैसे हमारे पास official trips होते हैं, ठीक है, यानी offices के जो trips होते हैं, ठीक है, एंड टूरिस्ट और जो सैर करने के लिए जाते हैं, दे कम हेयर टू विजिट फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस या साइट्स एंड बिल्डिंग्स। लाइक जिस तरह हमारे पास लाहौर में हमने पढ़ा के बादशाही मस्जिद है, मकबरा जहांगीर है, मस्जिद माबा खान हो गया, तो इन जगहों को देखने के लिए आते हैं। जैसे नॉर्दर्न एरिया है, कालाम कागाम, ठीक है, तो इनको देखने के लिए आते हैं। दे आल्सो वांट टू सेल आल द ब्यूटीफुल प्लेसेस, ठीक है, सी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है उसको उनको देखने के लिए आते हैं। जैसे मैंने कहा कि नॉर्दर्न एरिया जिस तरह है कालाम जैसे नारान हो गया, ठीक है, नदिया गली हो गई, मरी हो गया, बिसाइड साइट सीन टूरिस्ट कैन गो ट्रैकिंग माउंटेनरिंग, ठीक है, जैसे बर्फ़ में वो करते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो है माउंटेनिंग माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो उनका शौक़ होता है ऐसे गेम्स खेलने का। एंड फिशिंग मछलियाँ पकड़ना, हंटिंग शिकार करना, ठीक है, एंड टेक पार्ट इन मेनी अदर्स एक्टिविटीज़। हंटिंग का मतलब है शिकार करना, ठीक है, हमारे पास जो है तो हंटिंग का मतलब है शिकार करना, ये है, ठीक है, राइट कर लें। टेक पार्ट इन मेनी अदर्स एक्टिविटीज़। पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज बीन गुड एट द स्पोर्ट, ठीक है, और ये पाकिस्तानीज जो है वो खेल के मैदान में काफ़ी अच्छे हैं। वी हैव सम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स टीम्स हियर, जैसे लाइक क्रिकेट हो गया, स्क्वाश हो गया, हॉकी जो हमारे पास नेशनल गेम है, आवर क्रिकेट हॉकी टीम्स एंड आवर स्क्वाश प्लेयर्स आल्सो नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। वी आल्सो हैव मैनी स्पोर्ट्स, ठीक है, मैनी स्पोर्ट्स जो है हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमारे पास खेल की बहुत सी फैसिलिटीज़ है, लोग इंजॉय भी करते हैं। एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टू मैनी कंट्रीज़, और हमारे पास जो है खेल का जो सामान है वो एक्सपोर्ट हम करते हैं
फॉरेन कंट्रीज में, एक्सपोर्ट मीन्स यानी बाहर हम बेचते हैं। अब आप लोग देखिए तो टूरिस्ट एक टैक्सला, इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि टूरिस्ट आए हैं टैक्सला में देखने के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूचर, यानी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो उसमें इस टॉपिक में क्या है, पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री टू हैव डेवलप्ड द न्यूक्लियर फैसिलिटी, यानी पाकिस्तान दुनिया में फर्स्ट इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान टेस्टेड अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एट चाही इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के जो हिल्स हैं चाही में, उसमें इसको टेस्ट किया गया था। कब, 19 मई 1998 में। बट पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू पीसफुल यूज़ टू न्यूक्लियर एनर्जी स्पेशली टू पावर प्लांट्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसने ये कमिटमेंट की थी, ये जो है प्रॉमिस की थी कि ये हम अपने अमन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास है पीसफुल मीन्स अमन के लिए, अमन के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एंड स्पेशली फॉर पावर प्लांट्स टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और उसी से जो है फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करेंगे, ठीक है। वी यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट सम ऑफ मेनी वेज टू गवर्नमेंट वर्क फॉर इट्स पीपल, यानी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए गवर्नमेंट काम करे। वन की रूल इज़ दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक सर्विस, ठीक है, सर्विसेज एंड गुड्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑल पीपल्स, यानी लोगों को जो है सर्विसेज जो है वो मुहैया कर रहे हैं। सर्विस इंक्लूड इज़ द नेशनल डिफेंस हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, पुलिस हो गई, फायर प्रोटेक्शन हो गई, यानी जो आग से हिफाजत होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन मीन्स हिफाजत, मैंने पहले भी लिखवाया था। पब्लिक गुड्स जो हमारे पास पब्लिक का सामान है, आर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स दैट आर यूज डायरेक्टली एंड कलेक्टिवली, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, उसको जमा करके भी यूज़ कर सकते हैं। दीज इंक्लूड हाई वेज एंड सैनिटेशन सिस्टम्स, ठीक है, और इनको हम यूज़ भी करते हैं, हाई वेज हो गई या सैनिटेशन सिस्टम में। अब जो हमारे पास नया टॉपिक है जो उसके बाद है, तो वो हमारे पास है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी लोगों के लिए जो सर्विसेज है और सामान है वो क्या है। पब्लिक मीन्स सिटीजन, शहरी, ठीक है। पब्लिक गुड्स एंड सर्विस आर बेनिफिट्स प्रोवाइड्स टू एवरी सिटीजन्स, बेनिफिट्स मीन्स फ़ायदे, जिसके फ़ायदे मिल रहे हैं हर शहरी को बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से। देयर यूज बाय वन एंड मोर सिटीजन, उसको जो है एक बंदा भी यूज़ कर सकता है और उससे ज़्यादा भी। डज नॉट रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी टू अदर, लेकिन इसको जो है इसमें कोई कमी नहीं आती। रिड्यूस मीन्स कमी। क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे हम बसेस वगैरह या चेंची या जो भी होती है, मतलब अपना ट्रांसपोर्ट जो हमारा नहीं होता, जो पब्लिक का होता है, जिसमें लोग आते जाते हैं, जो किराया देते हैं, ठीक है। रोड्स हो गए, रोड्स पे हम आते जाते हैं, ये गवर्नमेंट ब्रिजेस हो गए, पुल हो गए, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी हो गई, जैसे हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है, तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है ना। वाटर सप्लाई हो गया, जो पानी हमें मिलता है। क्लीन इन्वायरमेंट हो गई, ठीक है, जो हमारा साफ माहौल है, ठीक है। पार्क हो गए, हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड सेवल कल्टिवेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है, जिस तरह फूड क्रॉप्स हैं। कल्टीवेशन मीन्स जो हमारे पास काश्तकारी होती है, खेती बाड़ी होती है, राइट, तो इसको जो है कहा जाता है क्रॉप। जस्ट टू अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड टू द पीपल्स बाय देयर एनवायरमेंट, ठीक है, और यही सॉरी बाय देयर गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसी तरह अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे जो लोगों गवर्नमेंट जो है पीपल्स यानी सिटीजन्स को सप्लाई करते हैं, ऑफर्ड बाय पीपल बाय देयर गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है और इन्हीं की वजह से जो है हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती है, हर चीज़ में हमें आसानी मिलती है, ठीक है। प्राइवेट गुड एंड सर्विसेज, ठीक है, और उसके फिर आगे जो हमारे पास टॉपिक है तो वो इंशाल्लाह अभी मैं प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज करवाऊंगी, और उसके बाद जो टॉपिक्स है तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइवेट क्या है,
आर द अपोजिट ऑफ पब्लिक वंस, यानी ये गवर्नमेंट के बिल्कुल अपोजिट होता है. प्राइवेट गुड्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरी वन, ये हर एक के लिए नहीं होता बल्कि हर एक का अपना होता है. बट ओनली टू दोज हु पे फॉर देम, यानी उसके लिए वो मतलब लेंगे, पे करेंगे तब वो यूज़ कर सकते. एग्जाम्पल्स ऑफ आर गेटिंग टू हेयर कट, ठीक है, जिस तरह हेयर कट हम करवाते हैं तो पे हम करते हैं ना. ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, अगर होटल्स बनाए हैं तो उसमें हम खाना खा के फिर पेमेंट करते हैं ना. एंड हैविंग योर क्लॉथ्स टेलर, ठीक है, टेलर, तो जो हम कपड़े सीते हैं तो टेलर जो है वो तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो हमारे पास एक है, लेकिन उसके लिए हम पे करते हैं तब वो हमें वो फैसिलिटी मिलती है. ठीक है, तो प्राइवेट में ये होता है कि उसके लिए हमें पे करनी पड़ती है, और जो पब्लिक होती है तो उस वो हमें गवर्नमेंट जो है फ्री में डाइक, रोड, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है. ठीक है, तो ये तो आज हमारे पास लेक्चर था. थैंक यू.